नालंदा में 4 दिवसीय समूह स्तरीय अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गया, जिसमें सैनिक स्कूल नालंदा विजेता बनी है। सैनिक स्कूल तिलैया उपविजेता बनी है। समापन समारोह विद्यालय परिसर स्थित नवनिर्मित शिवो मेवालाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अतिथि के आगमन के साथ शुरू हुआ। सैनिक स्कूल नालंदा के प्राचार्य कैप्टन नवीन कृष्ण चंद्र ने मुख्य अतिथि का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। प्राचार्य सैनिक स्कूल नालंदा ने मुख्य अतिथि और गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैदान पर कड़ी स्पर्धा के बावजूद सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन और खेल भावना के उच्चतम स्तर का पालन भी किया। मोतिहारी पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक सिक्सर, 3 देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 11 कारतूस, 13 मोबाइल, 1 टैब और 1 बाइक बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराध की योजना बनाते 10 अपराधियों को 4 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीपरा कोठी थाना क्षेत्र से 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा हुआ है। पीपरा कोठी से गिरफ्तार अपराधियों में नीतीश कुमार, मंटू कुमार, बिहारी राम, हीरो कुमार, सागर कुमार, अभिमन्यु कुमार और विकास कुमार शामिल हैं, जबकि झरोखर थाना से चंद्रभान सिंह की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में नीतीश कुमार और मंटू कुमार का आपराधिक इतिहास है। अपराध की योजना बनाते कुल 10 अपराधियों को 4 हथियार तक पकड़ा गया है। इसने जो पहले मामले का जो हुआ है उद्भेदन, ये पीपरा कोठी का है, जिसमें एएसपी सदर श्रीराज के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और 7 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास 1 सिक्सर, 2 देसी कट्टा, 8 कारतूस, 13 मोबाइल, जिसमें से 3 मोबाइल लूट का प्रतीत हो रहा है और अपराध के इस्तेमाल की गई 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ गया है। अपराधियों के नाम नीतीश कुमार, मंटू कुमार, बिहारी राम, हीरो कुमार, सागर कुमार, अभिमन्यु कुमार, विकास कुमार सभी पीपरा कोठी थाना गए हैं। नीतीश कुमार के विरुद्ध 1 पूर्व का चोरी कांड अभी तक दर्ज पाया गया है तथा मंटू कुमार के विरुद्ध 1 अपहरण का कांड पीपरा कोठी थाना अंतर्गत दर्ज।